यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा दिनांक 19 अगस्त 1954 को दिया गया। विषय अचाह होने का महत्व। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव, विवेक युक्त जीवन मानव जीवन है, उसमें चाह तथा व्यर्थ चिंतन के लिए कोई स्थान ही नहीं है। कारण कि इन दोनों बातों से न तो अपना कल्याण होता है और न सुंदर समाज का निर्माण ही। प्रत्येक चाह की उत्पत्ति अविवेक सिद्ध है, अर्थात निज ज्ञान के अनादर से होती है। जब तक प्राणी यह को मैं स्वीकार नहीं करता, तब तक किसी भी चाह की उत्पत्ति नहीं होती। यह को मैं स्वीकार करने प्राप्त विवेक के अनादर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि विवेक युक्त जीवन में चाह तथा व्यर्थ चिंतन का कोई स्थान ही नहीं है। व्यक्ति वस्तु अवस्था परिस्थिति आदि के द्वारा सुख लेने की रुचि का ही दूसरा नाम चाह है। तत्व जिज्ञासा को चाह नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी पूर्ति किसी वस्तु आदि के द्वारा संभव नहीं है और प्रेम को भी चाह नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेम का उदय ही तब होता है जब अचाह पद प्राप्त हो जाए। कारण कि जो कुछ भी चाहता है वह प्रेम नहीं कर सकता। योग को भी चाह नहीं कह सकते, क्योंकि सब प्रकार की चाह तथा चिंतन से रहित होने पर ही नित्य योग संभव है। चाह रहित होने से शारीरिक तथा सामाजिक सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। निसंदेह चाह रहित होने से तो मानव जीवन की सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। शारीरिक तथा सामाजिक ऐसी कोई समस्या हो ही नहीं सकती जो वर्तमान परिस्थिति के सदुपयोग से हल न हो सके। परिस्थिति का सदुपयोग चाह नहीं है, अपितु कर्तव्य परायणता है। चाह तो प्राणी को केवल आगे पीछे के चिंतन में आबद्ध करती है,
किसी समस्या को हल नहीं करती, परिस्थिति का सदुपयोग प्राप्त बल तथा विवेक के द्वारा होता है। यह नियम है कि जो बल का दुरुपयोग तथा विवेक का अनादर नहीं करते, उनकी सभी समस्याएं स्वतः हल हो जाती हैं। आज जो सामाजिक समस्याएं हमारे सामने उपस्थित हैं, उनके मूल में यही प्रमाद है कि हम बल का दुरुपयोग तथा विवेक का अनादर करते हुए समस्या हल करने का स्वप्न देखते हैं, जो कभी संभव नहीं है। ऐसी कोई निर्बलता नहीं है जो बल का दुरुपयोग करने से नहीं हुई हो, और ऐसा कोई अज्ञान नहीं है जिसका जन्म निज ज्ञान के अनादर से न हुआ हो। यह सभी को मान्य होगा कि निर्बलता तथा अज्ञान के कारण ही समस्याएं हल नहीं हो पाती हैं। जो वस्तु कर्म से प्राप्त होती है वह केवल चाह तथा चिंतन मात्र से प्राप्त नहीं हो सकती। उसके लिए तो उद्योगशील होना होगा, प्रत्येक कर्म की सिद्धि प्राप्त परिस्थिति से होती है, न कि अप्राप्त की चाह से।